आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं तान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी की 18वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण से शुरू हुआ, लेकिन जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, कुछ वैसा ही हंगामा सदन में देखने को मिला। सपा विधायकों के शोरगुल के बीच राज्यपाल ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये नारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा में लगाए जा रहे हैं, जहां योगी सरकार की 2.0 कार्यकाल और देश की पहली विधानसभा की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी और इसी के बीच सपा के विधायकों ने पोस्टर और बैनर लेकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। और जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और करीब एक घंटे तक चले अभिभाषण में सपा विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। सत्र की शुरुआत होने से पहले ही सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हुए अपील की और कहा, सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार है। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। आगे सीएम ने कहा, सदन का सत्र तभी सफल होगा जब पार्टियों के सदस्य शांति के साथ अपने मुद्दे को उठाएंगे। जिसके बावजूद सपा ने विधानसभा में पहले दिन ही जमकर हंगामा करते हुए सरकार को घेरा। हालांकि ऐसी उम्मीदें पहले से ही की जा रही थी कि सपा सत्र के दौरान प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खेलेगी। यूपी विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही फिलहाल मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मंगलवार को भी सदन के हंगामेदार रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।